अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पालक गोश्त बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए पालक गुच्छे पालक के, जिसको आपने छोटा छोटा काट लेना है। 3 पौंड छोटा गोश्त, दरमियाने साइज का टमाटर है जिसको आपने छोटा छोटा काट लेना है, दरमियाने साइज का प्याज जिसको आपने लंबा लंबा काट लेना है, 12 जवे लहसुन के और एक दरमियाने साइज का पीस अदरक का आप ले लें। लहसुन अदरक का आपने पेस्ट बनाना है और आधे लहसुन अदरक को छोटा छोटा काट लेना है। 7 हरी मिर्चें लेनी है और उसको भी छोटा छोटा काट लेना है। मसाले जो आपको चाहिए वो है नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। इसके अलावा आपको चाहिए 1 टीस्पून क्रश मिर्चें, 4 टेबलस्पून दही के और गरम मसाले में 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 दालचीनी, 2 भरी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 चक्रा फूल। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह धोकर उबालने के लिए रख दें। दस मिनट के बाद पालक में हरी मिर्चें डालकर उसको अच्छी तरह पकने दें। जब पालक अच्छी तरह गल जाए तो उसको बीट कर लें। एक दूसरी पतीली में ऑयल डालकर थोड़ा सा ऑयल को गर्म करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कटा हुआ लहसुन अदरक डालकर ब्राउन कर लें। जब लहसुन और अदरक ब्राउन होता है तो उसमें गरम मसाला डालकर हल्का सा भून ले। गरम मसाला थोड़ा सा भून कर उसमें बीट की हुई पालक को डालकर थोड़ा सा भून ले। फिर पालक में नमक, क्रश मिर्चें और दही डालकर अच्छी तरह भून ले। दूसरी तरफ प्रेशर में गोश्त डालकर उसमें प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट और 3 कप पानी डालकर गोश्त को पकने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप 1/2 टीस्पून नमक, पीसी हुई लाल मिर्च और हल्दी डालकर 5 मिनट गोश्त को पकाएं। 5 मिनट के बाद हम गोश्त में टमाटर और पीसा हुआ सूखा धनिया डालकर प्रेशर को बंद कर देंगे। 3 विसल के बाद प्रेशर को खोल देना है। अब देखें गोश्त अच्छी तरह गल गया है और पालक भी तैयार है। और अब हम गोश्त को पालक में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
पालक और गोश्त तैयार है, इसको प्लेट में डालकर सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।